Hello and welcome to Geno IES. Today it's 25th of September 2024 and we will be discussing the daily Hindu news analysis. आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाले हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज टू मच ऑफ एडिटोरियल्स केम इन टुडेज न्यूज़पेपर. हमारे पास 12 आर्टिकल्स हैं. 12 आर्टिकल्स अगर आप देखो तो सबसे पहला आर्टिकल इज अबाउट दी सब कोटा क्लासिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था अबाउट दी पावर्स ऑफ स्टेट्स अबाउट सब क्लासिफिकेशन ऑफ द यू कैन से शेड्यूल कास्ट्स. जो 15% का कोटा उनको मिलता है उसमें सब क्लासिफिकेशन पावर्स किसको मिलेंगे? स्टेट्स को. नाउ वी विल डिस्कस दी केस ऑफ पंजाब एंड तमिलनाडु रेस्पेक्टिवली. और उसके बाद द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रैपअप ऑफ ऑल द मीटिंग्स एंड स्टेटमेंट्स, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आए हैं अभी पीएम के विजिट के बाद विच वॉज टू यूएसए, जहाँ पे 3-4 चीज़ें लाइन में थी. एक क्वाड का समिट था, एक यूएन का फ्यूचर समिट था जो 22 सितंबर को हो गया. उसके बाद यूएसए और इंडिया के रिलेशंस में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स है और अग्रीमेंट्स है, एमओयूज है जो वहां पे साइन हुए हैं. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम. आफ्टर दैट वी विल आल्सो सी दैट सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो एक और जजमेंट दिया है अबाउट दी पॉक्सो एक्ट, एंड इट वॉन्ट्स कि पॉक्सो एक्ट को अमेंड किया जाए. और पॉक्सो एक्ट के अंदर जो बेसिकली प्रोविजंस आर अबाउट दी चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ना, एंड द मटीरियल अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उस मटीरियल को कंटेन करने वाले लोग, स्टोर करने वाले लोग, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग, एवरीथिंग इज नाउ एन ऑफेंस. सो दिस टू इज एन अपडेट. एंड एक कॉलम लिखा गया है इसके ऊपर, तो वो भी डिस्कस करने वाले हैं. इसके बाद देर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया इन विच वी विल डिस्कस द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये डिस्कस करने वाले हैं. इसके बाद वी विल ऑल्सो सी वट इज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड वट आर रिट्रैक्शंस इन द रिसर्च जर्नल्स. ठीक है, रिसर्च जर्नल्स जितनी भी होती है उनमें रिट्रैक्शन का इशू क्या होता है और हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. फैक्ट चेक यूनिट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है, क्या था फैक्ट चेक यूनिट और क्या है हमारे आईटी रूल्स फ्रॉम 2000 to 2021, देन द अमेंडमेंट ऑफ 2023, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ द थ्री थिंग्स. फर्दर वी विल ऑल्सो सी द केस इन विच कुणाल कामरा वॉज द मेन लीड एंड देर वॉज द मैगजीन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिन्होंने ये केस फाइल किया था. इसके बाद वी विल सी व्हाट इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, और इसका अल्टरनेटिव व्हाट इज बीआरआई एंड व्हाई शुड वी नॉट ट्रस्ट बीएमआई एंड व्हाई शुड वी गो फॉर बीआरआई. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की बात की जा रही है यूएन समिट में, जो समिट अभी ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसका नाम है द समिट फॉर फ्यूचर, उसमें यूएनएससी के रिफॉर्म्स की बात की जा रही है. और इंडिया का यहाँ पे स्टेटमेंट आया हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का अबाउट वेलकमिंग दीज रिफॉर्म्स. देर वॉज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल न्यूज स्निपेट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बींग यूज्ड इन लोकसभा. तो यहाँ से प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ये क्या मेजर लिया गया है लोकसभा में जो एआई का यूज़ किया गया है लोकसभा में, तो ये देखेंगे. और अनएम्प्लॉयमेंट पे एक जो हमारी पीएलएफएस आती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ईयरली एनएसओ की, उस सर्वे की बात करेंगे कि डेटा क्या आया है बिकॉज देर इज नो चेंज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम लास्ट ईयर टिल दिस ईयर. एट द एंड वी विल डिस्कस द बीड्स ऑन द मून. मून के ऊपर जो वॉल्केनोज आते हैं वो वॉल्केनोज एज पर द रिसर्च टिल डेट इट वॉज कि आज से 2 बिलियन साल पहले वॉल्केनोज वहाँ आते थे, बट अभी चैंगे 4 मिशन जो चाइना का गया है जिसने वहां से मून के सैंपल्स लाए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट द अर्थक्वेक्स आर मच अर्लियर और अभी रिसेंटली अर्थक्वेक्स आए हैं. और वहां से जो हमें उनने सेगमेंट्स लेके आए और वहां से जो रॉक मटेरियल लेके आए दैट इज बेसिकली कंटेनिंग दी सल्फर एंड कंपाउंड्स ऑफ सल्फर ड्यू टू विच वी दे हैव डिराइव्ड, द रिसर्चर्स हैव डिराइव्ड दिस थिंग, कि वहां के जो वॉल्केनोज हैं मून के ऊपर वो अभी रिसेंटली हुए हैं अराउंड 125 मिलियन ईयर्स अगो, नॉट 1-2 साल पहले. Now let's begin with the discussion. And first of the all, we have the first discussion editorial, which talks about the Supreme Court's powers. And Supreme Court recently gave this judgment in a 7-judge bench case. Earlier it was a 5-judge bench case. Now it's a 7-judge bench case, which will reconsider the earlier judgment. इससे पहले जो judgment आया था, उसमें basically point of contention was first कि schedule caste इनका जो टोटल रिजर्वेशन कोटा है हमारा विच टुडे स्टैंड्स एट अराउंड 60%, उसमें से 15% कोटा इज विद शेड्यूल कास्ट्स. नाउ द पॉइंट वाज दैट डू स्टेट्स हैव पावर टू मेक अ लिस्ट है ना एंड प्रोवाइड सेग्रीगेशन एंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट्स. लाइक देर आर मल्टीपल कास्ट, लाइक भूमिहार्स है, ओबीसीज है, ओबीसीज के अंदर बहुत सारे और कास्ट्स है हमारे पास. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था साउथ इंडिया में बहुत सारे कास्ट है जो सब कास्ट्स है जिनके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट एक्ट लेके आई थी. ठीक है, तो अब कंसिडरेशन ये है कि लास्ट टाइम का जो केस था उसमें क्या सामने आया और इस बार का जो केस है उसमें क्या सामने आया है, ये चीजें समझेंगे. और अर्लियर इट वॉज बेसिकली इट बिगैन फ्रॉम द ईवी चेन्नैया केस,
of 2004, जिसमें देर वॉज अ 6-1 मेजोरिटी जजमेंट विच ओवरटर्न्ड दिस चेन्नया जजमेंट। एंड इस केस में हुआ क्या था असल में, दिस वॉज द बिगिनिंग वेयर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स एक्ट टू स्टार्ट एंड टू बिगिन द क्लासिफिकेशन। बेसिकली ईवी चेन्नया केस में ये सबसे पहले बोला गया था दैट स्टेट्स डू नॉट हैव पावर ऑफ सब क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड दिस ऑल्टर्ड द होल लैंडस्केप ऑफ रिजर्वेशंस। फर्दर इसके बाद हुआ क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था ईवी चेन्नई केस के बाद, इट परमिटेड द रीसेंट मोस्ट, जो अभी 2024 फर्स्ट अगस्त का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट परमिटेड स्टेट्स टू सब क्लासिफाई। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल और इन्हीं न्यूज आर्टिकल्स में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। एंड सुप्रीम कोर्ट अलाउड स्टेट्स टू सब क्लासिफाई द शेड्यूल कास्ट्स। और सब कैटेगराइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी दैट वॉज इट शुड नॉट बी फॉर पॉलिटिकल अपीजमेंट, रादर जेन्युइन अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। तो जेन्युइन अपलिफ्टमेंट अभी तक क्यों नहीं हो रहा था, बेसिकली इफ यू सी द कलेक्टिव और द होमोजेनस कास्ट जिसको हम बोलते हैं, या होमोजेनस ग्रुप जिसको एवी चेन्नया केस में होमोजेनस ग्रुप बोला गया था कि टोटल शेड्यूल कास्ट जितने भी लोग हैं, दिस इज अ होमोजेनस ग्रुप, ठीक। द कंडीशन इज दिस इज नॉट द होमोजेनस ग्रुप, अमंग दीज सम ऑफ द कास्ट हैव इम्प्रूव्ड एंड दे हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स, उनकी ग्रोथ हो गई है, वो क्रीमी लेयर से ऊपर उठ चुके हैं, उनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई है, या उन्होंने अपने एसेट्स को बना लिया है। जैसे ओबीसी में हमारे पास क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, दैट इज द पीपल हु हैव इनकम ऑफ मोर देन 8 लाख रुपीज पर ईयर एंड द अदर पीपल हु हैव वन गवर्नमेंट सर्वेंट और एनीवन हु इज इन द गवर्नमेंट सर्विसेज फ्रॉम देयर हाउस होल्ड, दे कम अंडर द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एंड उनको क्रीमी लेयर माना जाता है और उनके बच्चों को अब इस रिजर्वेशन का बेनिफिट ना दिया जाए, ठीक है। मैं इस डिस्कशन को इसलिए शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है इन्हीं आर्टिकल्स में। अब बात यह है कि ओबीसी के जैसा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, और ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पहले इंपॉर्टेंट था, उस टाइम पे हमने इसको सही से डिस्कस किया था अबाउट होमोजेनियस कास्ट एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। अभी मैं आपको बस रिवाइज कराने के लिए बोल रहा हूँ, ओबीसी में जैसे हम क्रीमी लेयर, और चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो आएगा अबाउट द एनालिसिस ऑफ रिजर्वेशन एट ऑल, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट ओबीसी में है, दिस वॉज द मेन थिंग विच वॉज डिस्कस्ड ऑन 1st of August बाई सुप्रीम कोर्ट, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट में भी लगाया जाएगा और जितने यहाँ पे लोग हैं जो ऑलरेडी क्रीमी लेयर से ऊपर उठ चुके हैं उनको हटा के जो बाकी एक्चुअल अभी डिप्रेस्ड क्लास है उनके लिए रिजर्वेशन आप अलग से निकालो, सब कोटा निकालो, टोटल 15% का सब कोटा इनके लिए अलग से निकालो, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज समथिंग विच विल चेंज द होराइजंस ऑफ इंद्रसानी केस, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली ऑन द आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 डन। सो आई गेस ये चीज डिस्कस हो चुकी है, अब इसमें और कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। हाँ, रिजर्वेशन के ऊपर अगर आप बोलो तो पूरा एनालिसिस का वीडियो अलग से आ जाएगा, इफ यू विश तो डू कमेंट ऑन द वीडियो बिलो, अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ब्रिंग अ वीडियो टोटली विद द एनालिसिस ऑफ रिजर्वेशन कि कब से आया और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों लेके आ गए, 1919 से लेके 1909 से लेके आज तक का पूरा एनालिसिस कर लेंगे उस वीडियो में। नेक्स्ट आर्टिकल इट टॉक्स अबाउट स्टबल बर्निंग, एंड सी स्टबल बर्निंग इज अ पेरिनियल इशू ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, पर्टिकुलरली अभी विंटर आ रहा है तो दिल्ली में हालत और ज्यादा टाइट हो रही है, दिल्ली में प्रॉब्लम्स होने वाली है। दिल्ली गवर्नमेंट लास्ट मंथ केम अप विद अ 21-point एक्शन प्लान, ठीक है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला दैट वी विल डू व्हाट, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, ठीक है, जिसको और ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को, और जितने भी हॉटस्पॉट्स होंगे ऑफ व्हीकल्स, जहां से भी व्हीकल की एंट्री हो रही होगी, जहां ज्यादा हॉटस्पॉट होगा पोल्यूशन का, उन हॉटस्पॉट्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पे व्हीकल्स की एंट्री को बैन कर देंगे कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। नाउ द कंडीशन इज एयर पोल्यूशन तो हम टैकल कर लेंगे, बट द प्रॉब्लम इज विच इज पेरिनियल इन नेचर, दैट इज स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का ऐसा एक मेन इशू है जो हर साल ही दिल्ली के पोल्यूशन को, आप चाहे ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान ले लो, या आप इससे पहले जो चल रहा था 15 एक्शन पॉइंट प्लान, या आप और इवन फॉर्मूला ले लो, हर एक गवर्नमेंट के स्टेप को ये वेस्ट कर देता है। वाई? बिकॉज इससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अभी इस टॉपिक को हम उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो वट इज स्टबल बर्निंग। स्टबल इज समथिंग विच इज रेजिड्यू, ठीक है, राइस काटने के बाद, क्योंकि फार्मर्स जो है वो लोग जो धान होती है उसको आधे से काट लेते हैं जहां से उसका क्रॉप निकलता है, ठीक है, हाफ ऑफ द हाइट से, और जो ये हाफ स्टबल रह जाता है, जो रेजिड्यू रह जाता है, अब उसको खत्म करने के या उसको उस खेत को साफ करने के दो ही तरीके हैं, या तो उसको जला दो
या तो निकाल के उसका वापस डिकम्पोज करके उसको वापस यूज कर लो, मल्चिंग के तौर पे यूज कर लो, मल्चिंग कर लो उस चीज से, या फिर उसको अगर आपके पास हैप्पी सीडर है, हाई क्लास मशीनरी है, तो वो चीज वहीं पे खेत के अंदर ही यूज हो सकती है। बट द मेन प्रॉब्लम विद स्टबल बर्निंग इज कि कोई भी इसका ऑल्टरनेटिव है ना, सारे इसके जो ऑल्टरनेटिव है दे आर कॉस्टली टू द फार्मर। फार्मर के लिए सबसे चीपेस्ट जो चीज है दैट इज सिंपल, आग लगा दो इसको, ठीक है, बर्न इट आउट, इसके जो एशेस गिर जाएंगे वो जमीन पे सूख जाएंगे, विंटर की बारिश होगी वो जमीन में खत्म हो जाएगी, और उसके बाद होगा क्या, अगले साल का क्रॉप रेडी हो जाएगा, जमीन जो है रेडी हो जाएगी अगले साल के क्रॉप के लिए। द प्रॉब्लम इज देर आर इन सीटू ट्रीटमेंट्स ऑल्सो एंड अर्लियर पंजाब गवर्नमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फाइन फॉर दीज, 5,000 रुपये का फाइन इंट्रोड्यूस किया था कि कोई भी इंसान अगर ऐसा करता है, तो लोगों ने 5,000 रुपये दे दिए, बोला ठीक है हम फाइन भर लेंगे बट फिर भी जला देंगे क्योंकि उनके पास उससे ज्यादा खर्चा लग जाता अगर वो नहीं जलाते तो, ठीक है। इन सीटू ट्रीटमेंट में सबसे पहला चीज हमें याद रखना है दैट इज पूसा का डिकम्पोजर, जिसको हम बायो डिकम्पोजर भी बोलते हैं, दिस वॉज डेवलप्ड बाई द पूसा इंस्टीट्यूट। एंड हमारे पास एक्सीटू ट्रीटमेंट में ये हो सकता है कि इस राइस का जो ये स्ट्रॉ होता है इसको निकाल के या तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के तौर पे यूज किया जाए फॉर दी वर्मी कंपोस्ट एंड ऑल, और इसका यूज करके कैटल के लिए फोडर तैयार किया जाए, ठीक है, जो खाते हैं एनिमल्स। डन। स्टबल बर्निंग में बेसिकली अगर आप देखो दिल्ली में पोल्यूशन इसलिए हो जाता है स्टबल बर्निंग की वजह से क्योंकि दिल्ली जो है एक लो लैंड एरिया है और इस एरिया में दिस इज ऑलरेडी अर्बन हॉटस्पॉट ऑफ पोल्यूशन, और जो नॉर्थ वेस्ट से विंड्स हमारी आती है जिनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाली और मेडिटेरेनियन सी वाली जो हमारे हिली एरियाज में कभी कभी बर्फबारी भी कर देती है और कभी कभी बारिश भी कर देती है विंटर के टाइम पे, उन विंड्स की वजह से ये जो धुआं है जो पंजाब और हरियाणा में उठता है वो आके दिल्ली में सेटल हो जाता है, ठीक है। यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से विंटर में एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड इट सेड दैट दिल्ली इज नॉट टू बी नॉट ब्रीदेबल इन विंटर्स, ठीक है। स्टबल बर्निंग की वजह से हमारे पास जो मेन गैस निकलती है यहाँ से दैट इज मीथेन, CH4 एंड कार्बन मोनॉक्साइड जो मेन गैसेस है यहाँ पे, और इसके साथ साथ हमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं एंड कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो मेन पोल्यूटेंट्स है यहाँ से। ये पोल्यूटेंट्स क्यों याद रखने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर वॉल्केनो से जो एमिशंस होते हैं उनमें से कौन कौन सा गैस निकलता है, कौन कौन सा पोल्यूटेंट निकलता है, सल्फर निकलता है, फॉस्फेट्स निकलते हैं, कार्बन मोनॉक्साइड निकलता है, तो ऑल ऑफ दी अबव वाज करेक्ट। वहीं पे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टबल बर्निंग की वजह से कौन कौन से गैसेस निकलते हैं, तो आपको ये गैसेस का नाम पता होना चाहिए, मिनिमम ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी सब तो निकल ही जाएगा इसमें से, बाकी सारी चीज़ें भी निकलेंगी ही, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। डन। नेक्स्ट, जो हमारा एडिटोरियल है, दिस आर्टिकल वॉज अ कॉलम इन द एडिटोरियल पेज, दिस कॉलम डिस्कसेस द टोटल विजिट, जो अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है यूएसए, 3 डेज का ये विजिट था, इस विजिट में कौन कौन सी चीज़ हुई है और क्या क्या अपडेट्स आई है हमारे पास। हमने ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, जैसे मून शॉट मिशन है ना, कैंसर मून शॉट फॉर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ साथ देर इज वन मोर थिंग विच वॉज लॉन्च्ड एट क्वाड समिट, दैट इज क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये मैंने कल के इस डिस्कशन में ये सारी चीजें बताई है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो 2025 के लिए है, ये मैरिटाइम इनिशिएटिव है फॉर द ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक, जिसका असली नाम है मैत्री, और इसके साथ साथ मैरिटाइम लीगल डायलॉग और रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए ये लाया गया है। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है, डायलॉग है, इसमें होगा क्या, सारे क्वाड के मेंबर्स आएंगे, बात करेंगे, और दूसरी चीज ट्रेनिंग होगी, किन की ट्रेनिंग होगी, जो हमारे कोस्टल एरियाज में, जैसे हमारा इंडिया कोस्ट गार्ड में ICG इंडिया कोस्ट गार्ड ये काम करते हैं कोस्टल एरिया की प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया यूएसए और जापान के जो फोर्सेज हैं, जो कोस्ट गार्ड्स हैं, वो आएंगे और उनकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, हो सकता है एक्सरसाइज भी हो। प्लस इसके साथ साथ क्वाड का जो वैक्सीन इनिशिएटिव है फॉर कैंसर मून शॉट, तो सर्वाइकल के कैंसर के लिए इंडिया ने बोला है दैट वी विल गिव अराउंड $10 बिलियन, ठीक है, इंडिया ने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन बोला है। इसके साथ जो एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए बात की जा रही है, और ये बात कहाँ हुई है, ये हुई है 22 सितंबर को, जो पैक्ट ऑफ द फ्यूचर समिट होने वाली थी यूनाइटेड नेशंस की, यूएन फ्यूचर समिट। इस फ्यूचर समिट में 22 सितंबर को एक डॉक्यूमेंट दिया गया या एक इनिशिएटिव लिया गया उस प्रपोजल के तौर पे, वो प्रपोजल का नाम ही है पैक्ट ऑफ फ्यूचर, ठीक
ठीक है, ये जो ये पैक्ट है, इसी पैक्ट के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि यूएनएससी और यूनाइटेड नेशंस एट द लार्जर स्केल, पूरी जितनी भी बॉडीज है उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो दो चीज़ें हमने देखी अभी तक, एक ये वाला एडिटोरियल जिसमें हमने देखा इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, और दूसरा हमने ये देखा कि यूएनएससी के रिफॉर्म्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इस समिट में और क्या क्या चीज़ें हुई है। इस समिट में और बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे सबसे पहली चीज़, ये समिट किस लिए आई थी? ये आई थी रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, एंड इट सीक्स टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस एंड सिक्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ये समिट कराई गई थी। समिट किस लिए हुई थी? टू बिल्ड ऑन द रिसेंट यूएन एफर्ट्स, जो भी 2022 से लेकर आज तक स्टॉकहोम समिट जो हुई थी और हाई सीज ट्रीटी जो हुई थी वहां से लेकर आज तक जितने भी एफर्ट्स लिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे 2022 से लेकर आज तक, उन सारे एफर्ट्स को एक जगह कंबाइन करने के लिए और दोबारा से उन पर सोचने के लिए ये समिट कराई गई, ठीक है। अब इस समिट में हुआ क्या? सबसे पहली चीज, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो है अडॉप्ट किया गया। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? अ पैक्ट फॉर फ्यूचर, ठीक है, विच हैज टू एनेक्सेस। इसके अंदर दो एनेक्सर्स है, पहला है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एंड दूसरा है डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। दोनों याद रखने हैं और नाम याद रखने हैं दोनों के। पहली चीज, ये जो ये पैक्ट ऑफ द ये पैक्ट फॉर द फ्यूचर है, इस पैक्ट का काम क्या है, इस पैक्ट में क्या लिखा गया है, और जो जो इसको साइन करेगा उसको क्या काम करना पड़ेगा। जो जो कंट्री इसको साइन करेगी उसको सबसे पहले SDGs पे काम करना होगा, उनके अचीवमेंट पे काम करना होगा। दूसरा, पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर काम करना होगा। पेरिस एग्रीमेंट कौन सा है? 2015 का जो UNFCCC के अंदर हमने सबमिट करी थी, 2015 की पेरिस समिट जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल एनवायरमेंटल कन्वेंशन पेरिस एग्रीमेंट 2015, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड लास्टली, दे ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन जिसको नहीं पता है वो रजत सिंह केस पढ़ ले, ठीक है, उसके उस केस में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अभी रिसेंटली, जिसको आप ऑल इंडिया वेलफेयर बोर्ड या ऑल इंडिया अगर आप देखो ये क्या नाम था उसका, GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB केस भी बोला जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस भी बोला जाता है इसको, रजत सिंह केस को। ये केस का जजमेंट अभी सितंबर के महीने में आया था, ये अगस्त के महीने में आया था। अगर आपको पढ़ना हो, जस्ट ट्रांजिशन समझना हो, जस्ट ट्रांजिशन है क्या, बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, बट दिस शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्लाइमेट परस्पेक्टिव्स व्हाइल यू आर डीलिंग विद द ग्रीन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये समिट बोल रहा है, जो ये पैक्ट हमें बोल रहा है, एक और चीज, दैट इज कि हमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और ग्लोबल डिजिटल एंड ग्लोबल डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, सेकंड इट शुड एंश्योर बेनिफिट्स फॉर एवरीवन, थर्ड हमें यूज करना है AI का, और AI को रेगुलेट करने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो लेने पड़ेंगे, और AI की गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा एट इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट, जो ये पैक्ट हमें बोल रहा है, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, ये वाला जो एनेक्शन है, इस एनेक्शन के अकॉर्डिंग करना क्या है, देर शुड बी लॉन्ग टर्म थिंकिंग बाय अर्जिंग द डिसीजन मेकर्स टू कंसिडर इंटरेस्ट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, इंटरेस्ट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। इसके बाद जो याद रखना है वो है इंडिया का स्टांस। अब इंडिया ने यहाँ पे क्या बोला है इस समिट में, इंडिया ने बोला है दैट what we will do is india calls for the reforms in united nations security council to ensure the relevance and advocating permanent membership for india and other countries also. wahi pe agar aap is pact ko dekho, isko padho, to usme ek point ye bhi likha hai ki united nations security council ko reform kiya jayega, aur un ko largely jitni bhi bodies hai united nations ki 17 hamare paas special bodies hai jinko hum specialized agencies bolte hain, wo 17 aur particularly united nations security council jisme sabse important cheez hai, that is yahan pe p5 ko, जो परमानेंट 5 मेंबर्स है यहाँ के, उनके पास वीटो पावर्स है, उन उस चीज को चेंज करना है, क्योंकि हमेशा ये होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया कोई भी प्रपोजल लेके जाता है या कोई भी कंट्री कोई प्रपोजल लेके आती है, जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने थे तो वहां पे नहीं हो पाता है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करना था, या किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं तो दूसरी कंट्री उसको वीटो कर लेती है, P5 के पास वीटो का पावर है, कोई भी कंट्री इनमें से अगर डिसीजन को वीटो कर लेती है तो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये चीजें याद रखनी है, ये चीजें आपको बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, इसीलिए मैं इन चीजों पे छोटे छोटे वो नोट्स नहीं लेके आता हूँ आपके लिए, डिटेल नोट्स नहीं लेके आता हूँ, ताकि ये चीजें आपको याद रहे डायरेक्ट, इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट इज, व्हाई डू वी नीड रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस, वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली चीज, यूएन, देयर हैज बीन फेलियर एट द लार्जर स्केल,
अगर आप कोविड-19 की बात करो, कोविड-19 में वी सॉ WHO एंड WTO बोथ द इंस्टीट्यूशंस हैविंग सम इनएडिक्वेसीज एंड नॉट फुलफिलिंग द विशेज ऑफ द वर्ल्ड, और सप्लाई चेन रेजिलियंस फेल हो गया था। उसके बाद अगर आप देखो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो चुका है वहीं पे। जस्ट अ मोमेंट, आई गेस माई स्क्रीन हैज स्टॉप्ड। सो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। एंड जो मैंने आपको यहाँ पे ये एडिटोरियल बताया, दिस एडिटोरियल ऑल्सो वेलकम्स द दिस पैक्ट फॉर द फ्यूचर, जिसके अंदर रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। दैट इज वॉट आर फॉरन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी इज सेइंग। ठीक है, तो UNSC के रिफॉर्म्स और इसके साथ साथ फ्यूचर समिट में क्या क्या हुआ है, ये दो चीज़ें तो हमने समझ ली, बट इसके साथ साथ और भी चीज़ें हुई है जो इंडिया और इफ यू से इंडिया एंड यूएसए के बायलेटरल रिलेशंस को लेके अपडेट्स हैं हमारे पास। ये बायलेटरल रिलेशंस में जो जो अपडेट आया है, ये सारे अपडेट्स हमें याद रखने हैं और हमें ये भी समझना है कि क्या क्या हुआ है। इंडिया और यूएसए का समिट हुआ था, इंडिया और यूएसए यहाँ पे मोदी जी और बाइडन मिले थे और उन्होंने कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट्स दिए और उन्होंने कुछ ज्वाइंट अग्रीमेंट साइन किए हैं। अब इन अग्रीमेंट्स में सबसे पहली चीज है ज्वाइंट फैक्ट शीट, ठीक है, और इस फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग यूएसए एंड इंडिया विल कंटिन्यू देयर टू एक्सपैंड देयर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। दूसरा द रोड मैप, रोड मैप फॉर यूएस एंड इंडिया टू बिल्ड सेफ एंड सिक्योर ग्लोबल क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन। अब ये जो फैक्ट शीट यहाँ पे दिया गया है, इस फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग और इस फैक्ट शीट के अंदर क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहला काम, एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाएंगे। ये फैब्रिकेशन प्लांट किस लिए लगाया जाएगा और ये कौन लगाएगा, ये इन कोलैबोरेशन होगा यूएसए के साथ, और ये कहाँ लगाया जाएगा, ये इंडिया में लगाया जाएगा। अब ये फैब्रिकेशन प्लांट में हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएंगे। ठीक है, जो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन, जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है 2024 का, उसके अंदर हमें हेल्प करेगा। अब इसमें याद रखना है दैट वी आर डेवलपिंग सम ऑफ द क्रिटिकल चिप्स। कौन कौन सी चिप हम डेवलप कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मिशन में, पहली है भारत सेमी, थर्ड आई टेक चिप एंड यूएस का यहाँ पे जो मेन कोलैबोरेटर है यूएसए के साइड से, दैट इज यूएसए स्पेस फोर्स। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द की पार्टनर्स इन दिस सेमीकंडक्टर मिशन, जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। दिस फैब्रिकेशन यूनिट हैज बीन नेम्ड एज शक्ति। डन। नेक्स्ट, जो इसके बाद हम एक और काम करने वाले हैं वो ये है कि GK कोलकाता पावर सेंटर ये एस्टैब्लिश होने वाला है। ये कहाँ पे होगा, कोलकाता में एस्टैब्लिश होगा। ये है क्या असल में, दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन दिस GK पावर एंड ग्लोबल फाउंड्रीज विच विल हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन्स। ठीक है, इसके बाद वी हैव वन मोर मिशन जिसमें नासा एंड इसरो दे विल कोलैबोरेट विद ईच अदर फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसरो के साइंटिस्ट जा रहे हैं कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यूज करने के लिए। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें चंद्रयान 4 के अंदर क्या करना है, मैन मिशन भेजना है ऊपर। चंद्रयान 4 के अंदर हम अपना मिशन भेजेंगे और वो मून से सैंपल कलेक्ट करके ले आएगा, जैसे चांगी 4 लेके आया है। वैसे ही हमारा जो गगनयान मिशन है, वो गगनयान मिशन किस लिए जाएगा, क्रू लेके जाएगा, और वो क्रू जो है वो इंडिया ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लैंड करेगा, डॉक करेगा, और वहां पे रुकने के बाद वो लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए दिस इज द फर्स्ट नासा एंड इसरो रिसर्च प्रोजेक्ट विच विल टेक लीडर्स ऑन बोर्ड फॉर 2025। नेक्स्ट, इंडिया एंड यूएसए हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट। अभी ये ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट ये कहाँ बनेगा, ठीक है, दिस इंस्टीट्यूट विल मोबिलाइज फंड्स ऑफ $90 million फॉर 5 years टू अंडरस्टैंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कोप इन यूएसए एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट ये किस में काम करेगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी में काम करेगा, एंड यूएसए और इंडिया साथ में एक फंड क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड, इस फंड के अंदर
होगा क्या, इस फंड के अंदर पैसे इकट्ठा किए जाएंगे और ये जो हमारा मिशन है इंडिया ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट, यूएस इंडिया ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के लिए फंडिंग की जाएगी। इसके बाद हमारे पास है द ज्वाइंट फंडिंग इनिशिएटिव एंड रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च, जिसके लिए $15 मिलियन की बात की जा रही है और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा। इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बोथ द लीडर्स हैव प्रेज्ड यूएसए एंड इंडियाज डिफेंस टाइज इंक्लूडिंग द इंडियाज प्रोक्योरमेंट ऑफ MQ-9B ड्रोन्स। ठीक है, 31 ड्रोन्स इंडिया ने लिए हैं यूएसए से जिनका नाम है MQ-9B ड्रोन्स, प्लस सागर डिफेंस जो कि हम एक्सरसाइज करते हैं, लिक्विड रोबोटिक्स और उसके साथ साथ इंडस एक्स इनोवेशन चैलेंजेस, ये सारे जितने भी डिफेंस पार्टनरशिप है उसके ऊपर हमने ये प्रोग्राम और इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप। डन। आई गेस क्लीन टेक्नोलॉजी पे भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं और ग्लोबल हेल्थ डोमेन में भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास हेल्थ को लेके, दैट इज बायो 5 पार्टनरशिप। डन। चलिए, इतना था हमारा यूएसए और इंडिया का मेन रोड मैप। जॉब क्रिएशन वगैरह पे भी बहुत सारा काम किया गया है यहाँ पे। वी विल बी सीइंग एडिटोरियल्स अपकमिंग ऑन दिस सेगमेंट और उसके बाद एडिटोरियल्स डिस्कस करते टाइम हमें ये भी समझ आएगा कि किस एक्चुअल में प्रोग्राम का काम क्या है, किस इनिशिएटिव का काम क्या है और कहीं पे ये फायदा देगा भी या नहीं देगा और इसका क्या प्रोस्पेक्ट होगा, पोटेंशियल क्या होगा। जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा हमारे एडिटोरियल्स के थ्रू उतना हम कर लेंगे। दैट इज मोर देन इनफ व्हाट वी नीड टू डू। आई गेस ये भी बहुत ज्यादा है जितना मैंने आपको बोल दिया, वो भी बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर लिया हमने इन दोनों चीजों को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी फर्स्ट ऑफ द सेप्टेम्बर, अगर आपको पता हो, आई गेस दो दिन पहले एक और जजमेंट आया है इसी केस के ऊपर, दैट इज पॉक्सो। ठीक है, पॉक्सो एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट जो भी ऐसा मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल, इस मटेरियल को अभी तक डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, बेसिकली दिस टर्म इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन बिकॉज पॉक्सो एक्ट के अंदर जो चीज बोली जा रही है, दैट इज फर्स्ट थिंग, पॉक्सो एक्ट के अंदर जो टर्म यूज किया जा रहा है दैट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दिस इज अ ब्रॉड टर्म। और इससे पहले आईपीसी के अंदर जो लिखा गया है, आईपीसी के अंदर लिखा गया है डिग्रेडिंग और एक्सप्लॉइटिंग द डिग्निटी ऑफ वुमन। ठीक है, अब दोनों टर्म्स ऐसी है जो अपने आप में एक्चुअल क्राइम को डिफाइन नहीं कर रही है। एक्चुअल क्राइम क्या है, एक्चुअल क्राइम एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट मोस्ट जजमेंट इज हैविंग सेक्सुअल मटीरियल और हैविंग पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट देन स्टोरिंग इट, व्यूविंग इट, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट और स्प्रेडिंग इट अक्रॉस सोशल मीडिया और एनी अदर प्लेटफॉर्म। कहीं से भी अगर आप इसको स्प्रेड करते हो, इसको एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो या आप इसको स्टोर करके रखते हो ऐसे किसी भी कंटेंट को जो पोर्नोग्राफिक हो बट चाइल्ड पोर्नोग्राफिक हो, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। ऑफेंस अंडर टू एक्ट, वन इज आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सेकेंड इज आर पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट मोस्ट अपडेट। अभी तक यहाँ पे बात की जा रही है कि पॉक्सो एक्ट को गवर्नमेंट को चाहिए अमेंड करे और वहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बदले क्या लिखे, द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर। बट यहाँ पे जो ये कॉलम लिखा गया है इसके अंदर बोला जा रहा है दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे किया है इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन द लॉ एंड इट शोज दैट हाउ मच पर्टिनेंट इट इज टू कंट्रोल द ऑनलाइन कॉन्टेंट एंड हैव अ रेगुलेशन ऑन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वाइल दे आर स्प्रेडिंग द मेनेस ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेंट। ठीक है, जिसको हम यूजुअली वी डू नॉट टेंड टू वी रियली गेट ऑफेंडेड व्हेन वी सी दैट ओटीटी इज बीइंग स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ओटीटी के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी बात करेंगे, अभी फैक्ट चेक यूनिट हमें डिस्कस करना है। फैक्ट चेक यूनिट पे हमें ये भी देखना होगा कि देयर इज डिफरेंस एंड थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉन्टेंट विच इज ट्रू इन नेचर एंड द कॉन्टेंट विच इज फेक एंड मिसलीडिंग इन नेचर। वहीं पे हमें ये भी नहीं पता दैट विच मटीरियल विल बी कैटेगराइज्ड एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड विच मटीरियल विल बी जस्ट डिक्लेयर्ड एज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्टेंट। ठीक है, बिकॉज पोर्नोग्राफी इज समथिंग टोटली डिफरेंट विच वी टेक टू द हीनियस मोस्ट क्राइम्स, बट वेन वी टॉक अबाउट अ मटीरियल विच इज अब्यूजिव इन नेचर इट मे कंटेन द वायलेंस, नॉट ओनली सेक्सुअल वायलेंस बट फिजिकल वायलेंस ऑल्सो। चलो, पॉक्सो एक्ट की बात करें तो 2012 का ये एक्ट है, 14 नवंबर को पास हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992। इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने रेटिफाई किया था इस कन्वेंशन को 2012 में,
इस कन्वेंशन को रेटिफाई करने के बाद हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम एक एक्ट लेके आए फॉर चाइल्ड राइट्स, और चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पॉक्सो का एक्ट लेके आ गए। पॉक्सो का एक्ट आया तो ये चाइल्ड को डिफाइन करता है, पहली चीज हमें याद रखनी है, दैट इज चाइल्ड का डेफिनेशन इज 18 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट जो चीज हमें डिफाइन करनी है, जो ये एक्ट हमें डिफाइन करके देता है, दैट इज द पनिशमेंट ऑफ एक्ट। थर्ड थिंग, दिस एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2019 एंड देर वॉज डेथ पेनल्टी विच वॉज एडेड टू द एक्ट, कि डेथ पेनल्टी भी लग सकती है उन लोगों के ऊपर जो ऐसा कॉन्टेंट, जो ऐसा पॉक्सो एक्ट के अंदर क्रिमिनल्स या कन्विक्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद पॉक्सो रूल्स आए थे हमारे 2020 में। पॉक्सो रूल्स 2020 के तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। वन इज दीज आर जेंडर न्यूट्रल रूल्स एंड दे टेंड टू बी जेंडर न्यूट्रल, दैट इज दे आर फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। दोनों में से किसी का भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है तो दीज रूल्स विल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, एंड इन रूल्स के अंदर जो भी कॉन्विक्ट होगा उसको सजा मिल जाएगी। नेक्स्ट, दीज आर इन लाइन विद द प्रिंसिपल दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। इट हैज मेड रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस इजी एंड इट हैज मेड द केसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सेंसिटिव इन नेचर, सो दैट इनके ऊपर जो जजमेंट है वो जल्दी आ जाए। लास्ट में इट हैज डिफाइंड द टर्म्स लाइक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को टोटली डिफाइन किया हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन किया हुआ है, ताकि जितने भी केसेस आए उन पे जजमेंट्स जो है वो क्लियर कट जजमेंट्स आए। पॉक्सो रूल्स 2020 दे टॉक अबाउट फर्स्ट इंटरिम कॉम्पनसेशन एंड स्पेशल रिलीफ। कोई भी कोर्ट एफआईआर दर्ज होने के बाद जब तक कॉन्विक्ट को सजा मिलती है, जब तक विक्टिम को जस्टिस मिलती है, उससे पहले ही ये चीज डिक्लेयर कर सकती है कि इस विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिया जाए, जिसको हम इंटरिम कॉम्पनसेशन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि ये जो कॉम्पनसेशन है ये फाइनल वर्डिक्ट से पहले ही आ जाएगा, इवन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ओनली। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि विक्टिम जो है वो तो ऑलरेडी सफर कर रहा है, कॉन्विक्ट अभी तक सफर नहीं कर रहा है, उसको सजा नहीं मिली है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब तक इसको कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इमीडिएट पेमेंट ऑफ स्पेशल रिलीफ। एक्चुअल में हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर वी हैव थ्री बॉडीज। वन इज द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अनदर इज द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, थर्ड इज द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ये तीनों काम करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर। इस एक्ट के अंदर इनका काम क्या है, पर्टिकुलरली मेन जो काम है वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लीगल सर्विसेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का है कि कहीं पे भी अगर किसी भी चाइल्ड का पॉक्सो एक्ट के अंदर या पॉक्सो रूल्स के अंदर ये होता है दैट ही इज बीइंग सेक्सुअली और शी इज बीइंग सेक्सुअली व्हाई दिस यू कैन से एक्सप्लॉइटेड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी विल टेक केयर ऑफ हिज नीड्स, वेदर दे आर द फिजिकल, मेंटल, मेडिकल, काउंसलिंग, एजुकेशन, एनी काइंड ऑफ नीड्स आर देयर। This Child Welfare Committee is the sole and nodal agency which will take care of all of these needs. ठीक है? Last में, there should be proper medical, physical and emotional support given to the victim, given to the child, which is also the responsibility of Child Welfare Committee. चलो. Last, we need to remember some of the conventions regarding child rights. Last time UPSC ने पूछा था one convention about the terrorism. Now, these conventions are also important. और इसमें जेनेवा कन्वेंशन को कंफ्यूज नहीं करना है किसके साथ, टेररिज्म के साथ। जेनेवा कन्वेंशन इज समथिंग डिफरेंट। जो वन जेनेवा कन्वेंशन जिसमें हमारे पास चार कन्वेंशन है 1994 से लेके 2004 तक, वो जो चार कन्वेंशन है दे आर डिफरेंट फॉर वॉर क्राइम्स एंड द राइट्स ऑफ दोज हु आर हेल्ड इन वॉर। बट यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द जेनेवा कन्वेंशन एंड जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ 1924 विच टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये याद रखना है। यहाँ पे पांच प्रिंसिपल्स आए थे हमारे पास जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपको याद रखना है दैट इज द जेनेवा डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड विच वाज ऑफ 1924। डन। बाकी ये चार कन्वेंशंस और दिए हुए हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, यू कैन स्टिल गो थ्रू। देयर इज दिस वन कन्वेंशन विच इज लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ द मेंबर कंट्रीज। जो भी इसको साइन करता है उसके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग हो जाता है ये कन्वेंशन। इट मींस दैट दे हैव टू इंप्लीमेंट द कन्वेंशन। इसका नाम क्या है, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। दिस इज लीगली बाइंडिंग and under this convention you have to establish a committee for the rights of the children to protect them from sexual abuse and exploitation. Further, yahan pe hamare paas ek editorial hai. Editorial ko likhne wale jo author hai, he himself is the chairman of UGC. So now you can understand that how much important is this person and how much important should be this editorial. Theek hai? This person actually highlights one thing, that is the irrational criticism by some of the people towards National Education Policy 2020. अगर आपको याद हो तो आज से दो हफ्ता पहले हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था दैट समग्र शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा फंड्स तमिलनाडु गवर्नमेंट को नहीं दिए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान जो हमारे पास स्कीम है जिसके अंदर फंड्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, और ये फंड्स क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हमने पीएम श्री स्कूल्स बनाने हैं। ठीक है,
वट आर दीज पीएम श्री स्कूल्स, तो 14,000 ऐसे हम स्कूल्स बना रहे हैं जो मॉडल स्कूल्स होंगे, जो एक्चुअल में काम ऐसे करेंगे कि बाकी स्कूल्स वहां से प्रेरणा लेके, वहां से इन्फ्लुएंस होके अपने स्कूल्स में नए नए रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इन स्कूल्स में होगा क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो करिकुलम है जिसका नाम है द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क करिकुलम, इस करिकुलम के अकॉर्डिंग काम होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। उनका मेन कंटेंशन है दैट दे डू नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, व्हाट दे वांट इज दे हैव टू लैंग्वेज फॉर्मूला एंड दे स्टिल वांट टू स्टिक टू दैट। वैसे ही कुछ और स्टेट्स और कुछ और हमारे पास पब्लिक फोरम में या सिविल सोसाइटी में लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, इसमें एक पर्टिकुलर जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो है अबाउट द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसको ऑथर लिख रहे हैं एनसीआरएफ। व्हाट इज दिस एनसीआरएफ? दिस इज सिंपल, कोई भी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने वाला, स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला, वो कोई भी असाइनमेंट करता है, कोई भी बुक पढ़ता है, उस बुक के असाइनमेंट के बाद वो असेसमेंट का टेस्ट अपना अटेम्प्ट कर लेता है। जितने उसके मार्क्स आएंगे, जो जो असेसमेंट का टेस्ट वो क्वालिफाई करता जाएगा, उतने उसको क्रेडिट्स मिलेंगे, और जितने वो क्रेडिट्स अपने अकाउंट में कलेक्ट करता जाएगा उतना ही जल्दी उसकी जो डिग्री है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्मूला वही है, 5+3+3, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये क्रेडिट का सिस्टम है। क्रेडिट सिस्टम क्रिटिसिज्म में क्यों है? क्योंकि बोला जा रहा है कि ये जो बच्चा है ये एक्चुअल में कोई भी चीज़ नहीं पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कभी टीचिंग करे, मतलब कभी ये एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, कभी लैब करेगा, कभी रिसर्च प्रोजेक्ट करेगा, कभी असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, स्पोर्ट्स, गेम्स, योगा, कोई भी एक्टिविटी करता है, हर एक एक्टिविटी में इसको क्रेडिट्स मिल रहे हैं, है ना। और इसी एक सिस्टम को जो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है, इस मेन जो क्रिटिसिज्म है वो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसका, कि इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसका जो करियर प्रोस्पेक्ट है वो बढ़ने के बजाय घट सकता है। बट ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? बिकॉज ऑथर सेज कि जितने भी हमारे पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, HEIs, दे प्रोवाइड टू काइंड ऑफ सर्विसेज एंड दे आर फर्स्ट हेवन्स ऑफ नॉलेज, सेकेंड दे प्रमोट स्किल्स। दो चीजें वो देते हैं, वन इज नॉलेज, अनदर इज स्किल्स। हमें दोनों चीजों का गैप जो है वो मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर आप बात करो, ये HEIs, ये जहां पे ये क्रेडिट सिस्टम लेके आते हैं, दे अलाउ स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर एकेडमिक एंड करियर बोथ द गोल्स, ठीक है। देयरफॉर ऑथर ये बोल रहे हैं कि जितनी भी हेजिटेंसी आ रही है यहां पे इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में, वो नहीं होनी चाहिए। और हमें एट द नेशनल लेवल वी शुड इंप्लीमेंट एंड वी शुड ट्राई कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमारे पास है, द एजुकेशन देयर जो बोला जा रहा है दैट इट विल बिकम अ टूल फॉर स्टूडेंट्स टू इंक्रीज देयर सोशल मोबिलिटी, है ना। दिस एनसीआरएफ शुड बी प्रमोटेड इन सच अ वे दैट दिस कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू मोबिलाइज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। वो एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद उनको खुद पता चलेगा दैट व्हाट आर द मेन पेडागॉजिकल स्किल्स व्हिच दे वांट, ठीक है। देयरफॉर वी शुड वर्क ऑन बोथ थिंग्स, वन इज वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग एंड द अदर थिंग इज प्रमोटिंग नॉलेज, ठीक है। Therefore, HEIs should balance both the things. One is vocational training and another is knowledge generation in the academies. Because author is highlighting here one thing, कि जो हमारे पास higher educational institutions है, वो अभी तक decadal जो काम कर रहे थे, या जो वो conservationist काम कर रहे थे, that was mainly for what? Knowledge purpose. To implant the theoretical knowledge. What we need is, we need skillful people. है ना? What he actually means by this, he says that हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे पास बहुत सारे हैं, और हमारा अभी मेन फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि हम नॉलेज गिवर्स पैदा करें, बल्कि हम इम्प्लीमेंटर्स और स्किलफुल पीपल पैदा करें, और हमारे इंस्टीट्यूशन से वो लोग निकले जो स्किल्स रेडी हो, जो मार्केट रेडी हो। क्योंकि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024, वी स्टिल हैव 49% ऑफ द ग्रेजुएट्स, जितने भी हमारे पास 49% ग्रेजुएट्स निकलते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से, they are not having market ready skills, they are unemployable, तो इसीलिए employment अभी तक बढ़ी नहीं है, ठीक है। चलो यहां तक खत्म हो गया, इसके बाद ये आर्टिकल समझते हैं। इस आर्टिकल का मेन मकसद क्या है, दैट इज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। आई विल जस्ट मेंशन द क्रक्स ऑफ दिस एडिटोरियल, क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल में जाएंगे उतना ही ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता चला जाएगा। सिंपल है वन थिंग, अगर हमारे इंडिया में कोई भी बैंक ए को लोन देता है और ये ए जो है ये वापस नहीं दे रहा है लोन, तो ये ए इंसॉल्वेंट कहलाया जाएगा। फिर अगर ये ए टोटल मना कर देता है, कोई भी प्रोसेस इसके ऊपर किया जाता है, चाहे क्रेडिट रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए, चाहे इसका इंटरेस्ट कम कर दिया जाए, इसकी ईएमआई रीशेड्यूलिंग करी जाए, जो इसने लोन लिया है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, हर एक चीज़ करने के बाद भी अगर ये पैसा नहीं दे पा रहा है, देन ये बैंकक्रप्ट हो जाएगा। अब इसने इसके पास कुछ नहीं बचा, तो देन
जो ये ए था, ये कोई बिजनेसमैन होगा, इसके पास कोई फैक्ट्री होगी, कोई कंपनी होगी, वो कंपनी लिक्विडेट की जाएगी थ्रू द व्हाट, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब ये दो चीजों को हाईलाइट करता है और हमारा कौन सा आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस चीज को सिंपल प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक सिंपल प्रोसेस है सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर। अब ये तो हो गया खत्म, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, एक बॉडी बनेगी, एक कमेटी बनेगी, क्रेडिटर्स की कमेटी बनेगी, वो बोलेगी कि हमें ये कंपनी को लिक्विडेट करना है ताकि हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए, जो हमने इसको लोन दिया हुआ है वो पैसा हमें वापस चाहिए, इसको लिक्विडेट कराया जाएगा। लिक्विडेशन के बाद ये कंपनी जाएगी कहाँ, लिक्विडेशन के टाइम पे एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी जिसको इसको बेचा जाएगा, वो पैसा देगी इस बैंक को और बैंक अपना पैसा लेके चला जाएगा। थोड़ा नुकसान बैंक का होगा, थोड़ा नुकसान एआरसी का होगा, बट एआरसी इवेंचुअली विल ट्राई टू अगेन मेक दिस वेंचर, जो भी फैक्ट्री थी कंपनी थी उसको वापस काम कराने के लायक बना दे, चाहे कितने भी रिफॉर्म्स हमें लाने पड़े, चाहे उसके लिए रीफाइनेंसिंग करनी पड़े, बाकी सब चीजें करनी पड़े, एआरसी वो काम करेगी। इट्स एक्चुअली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये वो काम करेगी और इसको वापस प्रॉफिट मेकिंग एक यूनिट बनाएगी, फिर उसको सेल आउट करेगी हाई प्रॉफिट पे, एआरसी का भी प्रॉफिट होगा और जो पैसा उनने इन्वेस्ट किया था वो उनको वापस मिल जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन एंड ऑल ऑफ द इंसॉल्वेंसी, कि इस इंसॉल्वेंसी को ठीक कैसे किया जाए, बट ये डोमेस्टिक लेवल पे है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करो तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हमने बाहर किसी कंट्री को लोन दे दिया या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे दिया, क्रॉस बॉर्डर लोन दे दिया किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, किसी और कंट्री के अंदर दे दिया, तो अब वो लोन वापस आ जाए, देयर आर वेरी लेस चांसेस। चांसेस तो है कि वापस आ जाएगा, बट अगर इंसॉल्वेंट हो गया उसके बाद पैसा आ जाए, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे जो इसको डील करता हो। सॉरी, ऑथर यहाँ पे जो बोल रहे हैं दैट इज यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, दैट इज यूनिक्ट्रल, UNCITRAL, यूनिक्ट्रल यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इन्होंने एक मॉडल लॉ लाया था और ये लॉ बहुत पुराना है, 1997 का लॉ है, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं दिस इज द मॉडल लॉ फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी होती क्या है, सिंपल, जैसे इस बैंक ने, ये बैंक हमारे यहाँ है इंडिया में, ये बैंक है, इसने एक कंपनी को लोन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल अडानी ग्रुप को लोन दे दिया गया, और अडानी ग्रुप जो है ये चली गई अफ्रीका, और अफ्रीका में इन्होंने नैरोबी में जो वहाँ का जुमयुक्ता नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके इसको टेंडर मिलने वाले थे अडानी ग्रुप को। अब वो टेंडर नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये एडिटोरियल हमने लास्ट लास्ट मंथ लास्ट लास्ट वीक डिस्कस किया था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये चल रही है कि अडानी ग्रुप को जो वहाँ पे पैसा आने वाला था या जो उनने इन्वेस्टमेंट कर दिया वहाँ पे, $30 बिलियन का ये डील था, ये हाँ $30 बिलियन का ये डील था 30 साल के लिए। द कंडीशन इज, ये जो डील अफ्रीका की गवर्नमेंट के साथ थी, नैरोबी केन्या की गवर्नमेंट के साथ थी, ये डील अब टूट गई। अब पैसा अगर वहाँ पे फंस गया और वहाँ से पैसा वापस नहीं आ रहा है ना, या अफ्रीका के किसी बैंक ने अडानी ग्रुप को लोन दे दिया वहाँ पे बैठ के, तो ये पैसा वापस नहीं जा रहा है, या ये अडानी ग्रुप की जो ये कंपनी है उस जगह पे इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो क्या ऐसा मैकेनिज्म हो हमारे पास जिससे ये पैसा वापस आ जाए, इसी का नाम है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। और इसके मैकेनिज्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये अंकट्राल का एक मॉडल लॉ है। दिस मॉडल लॉ बेसिकली वर्क्स ऑन द फोर प्रिंसिपल्स, ठीक है, वन इज एक्सेस, रिकॉग्निशन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द नेशंस। द मेन पोटेंशियल इज कि हम बैंकरप्सी लॉज को रिफॉर्म करें अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने नेशंस में, ताकि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। बट जो ये मॉडल लॉ है ये बस 60 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, नॉन बाइंडिंग है, इसीलिए इसका कोई इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिल रहा है। डन, दिस इज द होल पॉइंट ऑफ दिस एडिटोरियल, व्हाट ऑथर इज हाईलाइटिंग, कि क्या हम एफटीएज को ज्यादा प्रमोट करें बजाय इसके कि हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स को ज्यादा प्रमोट करें। तो ऑथर का यहाँ पे कहना है कि एफटीए जो है वो थोड़ा सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और डी कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स, जिसको हम कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रहेंसिव ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा या सेका, ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे सेका हमारा अभी ब्रिटेन के साथ चल रहा है डील्स, है ना, अभी तक साइन नहीं हुआ है, ठीक है, BTIA चल रहा है ब्रिटेन के साथ, साइन नहीं हुआ है, सेपा हमारा जापान के साथ चल रहा है, अभी हो गया है साइन, तो वहाँ पे अलग हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है। ऑथर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्या हम FTAs पे ज्यादा जाएं और सेका एंड सेपा पे कम जाएं, या इनके थ्रू ये इंसॉल्वेंसी इजी हो जाएगी, ठीक है। सो ऑथर हियर इज हाइलाइटिंग दैट FTA एक ऐसा अरेंजमेंट होता है बिटवीन द टू कंट्रीज, इट रिड्यूसेस द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉट एज सच द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इट डज कवर अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बट इट डज नॉट प्रोवाइड अस विद अ इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म, ठीक है। देयरफॉर Now we need to examine that how these instruments can help us in capturing these insolvency cases. ठीक है,
because both FTA and SEPA they lack the detailed cross border insolvency provisions. ठीक है, तो अगर आपको कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है अबाउट दीज FTA एंड SEPA, जो कि मुझे लगता है ऐसा पूछा जा सकता है कि इंसॉल्वेंसी भी यहाँ पे कंसिडर की जाती है या कवर होती है FTA के अंदर या SEPA के अंदर, तो ऐसा नहीं है, ये हमारा प्रीलिम्स का पॉइंट है. और वहीं पे हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके मेंस में अगर क्वेश्चन आता है जिसके हाई चांसेस हैं और हाई चांसेस थे भी और इस बार पूछा भी है यूपीएससी ने, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप GS3 में देख सकते हो अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर पॉइंट आता है तो उसमें हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं. नाउ वी हैव वन एडिटोरियल जो एक्सप्लेन सेक्शन में आया था, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है बहुत डिटेल में. और यहाँ पे अपडेट क्या है हमारे पास, द अपडेट इज सिंपल, 20th September बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसके अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट बोलती है दैट आईटी रूल्स, और आईटी रूल्स का जो अमेंडमेंट 2023 में हुआ था और जो ये 23 के रूल्स आए हैं आईटी रूल्स, आईटी एक्ट अमेंडमेंट रूल्स 2023, इन रूल्स के अंदर जो फैक्ट चेक यूनिट गवर्नमेंट बनाने वाली थी FCU, जिसके अंदर कुछ एग्जीक्यूटिव होंगे, कुछ लोग होंगे जो जर्नलिज्म से रिलेटेड लोग होंगे एंड उनको नॉलेज होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का और उनको नॉलेज होगा न्यूज़ का, फेक न्यूज़ का, और ये क्या काम करेगा ये फैक्ट चेक यूनिट, सोशल मीडिया पे अगर कोई भी या किसी भी मीडिया चैनल पे कोई भी न्यूज़ आती है, उस अगर वो न्यूज़ फेक न्यूज़ है, मिसलीडिंग है, तो उस न्यूज़ को ये फैक्ट चेक यूनिट जो है फ्लैग करेगा. वंस इट फ्लैग्स इट आउट, जैसे अगर आपको पता हो ANI का अपना एक फैक्ट चेक यूनिट है, वहीं पे और YouTube पे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे फैक्ट चेक यूनिट्स हैं जो काम कर रहे हैं. काम क्या करते हैं, कोई भी न्यूज़ है उसके ऊपर ये लोग ठप्पा लगाते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या नहीं है. क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि 2019 के बाद अगर आपको पता हो तो फेक न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो गया था पूरे सोशल मीडिया पे, और अभी भी ये चीज़ चल रही है. ठीक है, चाहे वो किसी को अपनी डेथ फेक करनी हो या किसी को कुछ और करना हो या कुछ और करना हो, पब्लिसिटी स्टंट हो, हर एक चीज़ में फेक न्यूज़ काम आती है, पॉलिटिकल स्टंट में भी और पब्लिसिटी स्टंट में भी. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इस फेक न्यूज़ की वजह से हमने लास्ट टाइम देखा मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत बढ़ गए थे, उस टाइम के बाद इसको ख़त्म करना था. तो फैक्ट चेक यूनिट का काम क्या था, किसी भी कंटेंट को अगर उन्होंने फ्लैग कर दिया कि ये फेक न्यूज़ है या ये मिसलीडिंग कंटेंट है या ये फॉल्स कंटेंट है, तीन फ्लैग्स हैं इनके पास, तो जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये कंटेंट है, उस प्लेटफॉर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके बाद कि उस कंटेंट को वो वहां से हटा दे, अपने प्लेटफॉर्म से उस कंटेंट को वो हटा दे. अगर ये कंटेंट नहीं हटाया गया, जैसे रिसेंटली अभी कंट्रोवर्सी हुई थी कहाँ पे, ब्राज़ील में, ट्विटर और ब्राज़ील की गवर्नमेंट की कंट्रोवर्सी चल रही थी, वहीं पे एग्जांपल ट्विटर पे अगर किसी ने ट्वीट कर दिया मोदी जी के अगेंस्ट में, जिसका अभी हम एक्स नाम रखते हैं, एक्स जिसका नाम है अभी, ट्विटर पे अगर किसी ने या एक्स पे अगर किसी ने ट्वीट कर दिया कि इंडिया में ये चीज़ आ रही है, वो चीज़ आ रही है, कोई भी फेक न्यूज़ है, और फैक्ट चेक यूनिट ने इसको फ्लैग कर दिया कि इसको हटा दो, और इन्होंने नहीं हटाया, तो ट्विटर के पास लॉजिकली अंडर द आईटी रूल्स इनके पास सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होता है. व्हाट डज दिस मीन सेफ हार्बर प्रोटेक्शन? सेफ हार्बर प्रोटेक्शन सिंपली मीन्स दैट जो भी ये इंटरमीडियरी है, जो भी ये प्लेटफॉर्म है, चाहे ये ट्विटर है, फेसबुक है, इनके पास प्रोटेक्शन है. प्रोटेक्शन किस चीज़ की है, कि जो भी कॉन्टेंट इनके यहाँ पोस्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्विटर की नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेसबुक की नहीं होगी, बल्कि उस इंसान की होगी जिसने उसको पोस्ट किया है, तो पकड़ा भी वही इंसान जाएगा. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर कंटेंट को बताया गया कि ये कंटेंट फेक है, उसके बाद भी ट्विटर नहीं हटा रहा है, देन इनके ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस को एलिमिनेट करके डायरेक्ट ट्विटर की पकड़ होगी, और उसके जो ऑफिसर्स होंगे अंडर आईटी रूल्स, दे हैव टू डिजिग्नेट अ नोडल ऑफिसर फॉर द कंट्री, अ नोडल ऑफिसर फॉर द डिस्ट्रिक्ट, अ नोडल ऑफिसर फॉर द रीजन, एंड दे ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड द रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ देयर ऑफिस विच शुड बी इन द लोकेलिटी इटसेल्फ इन द कंट्री. तो ट्विटर के ऑफिसर्स की यहाँ पर पकड़ होगी और उनको पकड़ा जाएगा. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्चुअल में पहला केस आया था, पहला केस डिवीजन बेंच के पास था जिसमें दो जजेस बैठे थे, दोनों जजेस ने स्प्लिट जजमेंट दिया, दैट इज एक जज ने बोला इस फैक्ट चेक यूनिट को कि ये वैलिड है, दूसरे ने बोला नहीं ये वैलिड नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हटा देना चाहिए. इसीलिए इसके बाद इस केस को रीओपन कराया गया, एक और बेंच, एक और जज को बिठाया गया जिनको हम यूजुअली बोलते हैं टाई ब्रेकर जज. तो इस टर्म को याद रखना है, टाई ब्रेकर जज किसको बोलते हैं, ही इज द थर्ड जज जो दोबारा से केस को अगेन इट री एग्जामाइंस द केस एंड देन डिलीवर्स इट्स ओन जजमेंट. उन्होंने जो जजमेंट दिया वो ये था कि फैक्ट चेक यूनिट जो है इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप और इसको आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से दो चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़, आपको नहीं पता है फेक
फॉल्स और मिसलीडिंग इन टर्म्स का मतलब क्या है? अगर आप इन टर्म्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, अगर ये टर्म्स वेग है इन नेचर, देन इट मीन्स कि आप इन टर्म्स के सहारे किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 वायलेट हो रहे हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच इंसान का चला जा रहा है, और कहीं पे भी अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है, अगर कोई भी आर्टिकल कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट कर रहा है या लिमिट कर रहा है, तो दैट लॉ शुड बी स्पेसिफिक एंड शुड बी क्लियर इन इट्स डेफिनेशन. इफ इट इज वेग इन इट्स डेफिनेशन देन द लॉ शुड बी नल एंड वॉइड. इफ इट इज नॉट वेग इट इज स्पेसिफिक देन इट कैन नॉट बी हेल्ड नल एंड वॉइड. ठीक है, सिंपल. जैसे हमारे पास प्रोविजन है कि इफ वी वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज आर्टिकल 39 बी एंड सी, देन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 कैन बी वायलेटेड. बट वहीं पे एक और चीज भी है, अगर कोई आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आप या फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर रहे हो, तो वो लिमिटेशन किस हद तक की होगी वो डिफाइन करना क्लियर कट जरूरी है. अदरवाइज द लॉ गिव्स इनफ पावर्स टू द ब्यूरोक्रेट्स सो दैट दे कैन इंटरवीन एनीवेयर एंड एवरीवेयर. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला दैट इट हैज प्रोड्यूस्ड अ चिलिंग इफेक्ट ऑन ऑल द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, क्योंकि उनके सेफ हार्बर रूल्स सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस चले जाते हैं इसके बाद, इसीलिए हम इसको नल एंड वॉइड करार देते हैं. डन. बट द प्रॉब्लम इज तमिलनाडु एंड कर्नाटका गवर्नमेंट्स ने भी ऐसे ही कुछ फैक्ट चेक यूनिट बना रखे हैं. अब क्या बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट वहां पे भी इंप्लीमेंट किया जाएगा या नहीं, और उन फैक्ट चेक यूनिट्स का क्या होने वाला है आगे, वो आगे देखा जाएगा. वी हैव वन मोर एडिटोरियल. दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रिट्रैक्शंस. बस इतना याद रखना है कि रिट्रैक्शन होता क्या है. रिट्रैक्शन इज सिंपल, एक इंसान जो कि रिसर्च स्कॉलर है ना, अब अगर ये साइंटिस्ट बन चुका है या ये अभी पीएचडी कर रहा है, तो इसको क्या करना पड़ता है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने पड़ते हैं. ठीक है, एक दो, ताकि इसका पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाए, इसकी पीएचडी की डिग्री इसको मिल जाए, उसी बेसिस पे इनको डिग्रीज मिलती है. और अगर किसी को डिग्री मिल चुकी है, साइंटिस्ट बन चुका है या डॉक्टरेट या पीएचडी होल्डर है, उसके बाद वो और ज्यादा पेपर्स क्यों पब्लिश करता है, ताकि उसका नाम ज्यादा बढ़ जाए, उसको मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए और उसके पास बहुत सारे जॉब ऑफर्स आए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से. और होगा क्या, इवेंचुअली उसके पास ग्रांट्स बहुत सारी आ जाएंगी, ताकि वो और ज्यादा रिसर्च कर पाए. अब ये ज्यादा जो पेपर्स है इनको ज्यादा पब्लिश करने की इस रेस में साइंटिस्ट्स एक काम कर रहे हैं, वो ये है कि ये पेपर्स पब्लिश खुद नहीं कर रहे, ये पेपर्स खरीद रहे हैं इनको. ठीक है, ये पेपर्स जो है खरीद रहे हैं. कहां से खरीद रहे हैं? पेपर मिल से. अब ये पेपर मिल पेपर बनाती नहीं है, ये रिसर्च पेपर बनाती है. अब ये पेपर मिल क्या काम करती है, जैसे आपका ये न्यूज़पेपर बन के आ रहा है डेली, अब अगर डेली इस न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज़ आए और डेली सेम न्यूज़पेपर आए तो आप तो नहीं पढ़ोगे. वैसे ही कंडीशन यहाँ पे हो रही है. ये जो न्यूज़पेपर, ये जो ये रिसर्च पेपर्स है, ये एक पेपर मिल से निकल रहा है. कौन सी पेपर मिल? जहाँ पे कंटेंट की टीम बैठी हुई है, वो बस कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करके पैराफ्रेजिंग करके रिसर्च पेपर्स बना रहे हैं, और वो ये पेपर्स बेच रहे हैं किसको, साइंटिफिक कम्युनिटी को. जो ही ये पेपर्स खरीदते हैं उसके बाद ये पब्लिश कर देते हैं. अब पब्लिश होने के बाद ये पेपर किसी जर्नल में वैलिड होगा, इसको पीयर टू पीयर रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद ये पता चलता है कि ये पेपर तो ऑलरेडी प्लेजराइज्ड है, इस पेपर में जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो तो पब्लिश होने के लायक ही नहीं है. अगर आप देखो तो 300 साइंटिफिक पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय अ वन सिंगल पर्सन इन वन ईयर. 300 पेपर उसने एक साल में पब्लिश कर दिए, एक बंदा है यूनिवर्सिटी का, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का. ठीक है, और 300 पेपर्स एक साल में पब्लिश करना मतलब हर दिन वो एक पेपर पब्लिश कर रहा है. वहीं पे जॉन डार्सी, जिसने 80 पेपर्स उनके जो है रिट्रैक्ट कर दिए गए थे. व्हाट इज रिट्रैक्शन? आपका जो पेपर है उसमें बहुत ज्यादा लेवल तक प्लेजरिज्म हो, रिसर्च पेपर में बहुत ज्यादा लेवल तक प्लेजरिज्म है, इसलिए आपका पेपर रिजेक्ट किया जाता है और आपको उसको दोबारा सबमिट करना पड़ता है. ठीक है, बट वहीं पे एक और टर्म है कि पेपर को पुल करना. अगर आपका पेपर टोटली रिसर्च जर्नल ने बाहर ही फेंक दिया कि नहीं ये पेपर नहीं चलेगा, टोटल प्लेजराइज्ड कंटेंट है, तो उसको बोलते हैं पेपर पुल करना. वन इज पेपर रिट्रैक्ट करना, दूसरा है पेपर पुल करना, तीसरी टर्म है हमारे पास पेपर मिल्स. ये पेपर मिल्स आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको रशिया, ईरान और चाइना में मिलेंगी. ये क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे पास ऐसा एक कल्चर है जिसमें अगर आपने रिसर्च पेपर नहीं सबमिट किया तो आपको क्या किया जाएगा, अगर आपने रिसर्च पेपर सबमिट नहीं किया टाइम पे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी. इसीलिए दिस पब्लिश और पेरिश कल्चर जो है, इस पब्लिश और पेरिश कल्चर को खत्म करने के लिए ऐसा काम किया गया.
नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है, दिस इज अबाउट BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। तो आपने भी बचपन से लेकर आज तक ये सुना होगा कि बॉडी मास इंडेक्स जिसका ठीक होगा ही इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट इंडिविजुअल्स, और वो अच्छा हेल्दी इंडिविजुअल कहलाता है। बट यहाँ पे जो हमारे पास आर्टिकल है, इस आर्टिकल को समझेंगे और दो चीजें समझेंगे, वन इज BMI क्या होता है और दूसरा इज BRI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स एंड बॉडी राउंडनेस इंडेक्स। ठीक है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है और इनके पीछे रिसर्च बहुत ज्यादा है। ये आर्टिकल पूरा समझने की जरूरत नहीं है, हमें ये दो टर्म समझ में आ जाए इतना हमारे लिए काफी है। बॉडी मास इंडेक्स दो चीज पे काम करता है, वन इज योर हाइट, अनदर इज योर वेट। ठीक है, इफ यू आर लेस देन 18, इफ यू आर लेस देन 18 एंड योर हाइट इज लेस देन 5, है ना, और आपका वेट 18 किलो से कम का है, आपकी हाइट 5 फीट है, देन यू आर अंडर वेट। वहीं पर अगर आपका वेट है 24 एंड आप 5 फीट हो, if you are like your roundness, your weight, it is of the this index, आपका जो BMI index है वो 18.5 to 24.9 है, then you are a normal human being, आपका जो weight है, आपका जो body mass index है वो बराबर है, 18.5 to 24.9 is considered as normal। होता क्या है, height और weight का calculation किया जाता है और उसकी basis पे BMI calculate होता है। अगर आप बात करो India की, तो India में every 3 out of 4 Indian is overweight, है ना, और वहीं पे अगर आप बात करो वुमेन की, तो 20 मिलियन वुमेन आर ओबीज एंड 9.8 मिलियन मेन आर ओबीज इन इंडिया। प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई इंसान लंबा है और वो ओबीज है तो क्या उसका BMI ठीक आएगा? हाँ, उसका BMI ठीक आएगा, दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ BMI। बट वहीं पे अगर आप देखो तो ये एडिटोरियल हमें एक मैथमेटिशियन के बारे में बताते हैं जिनका नाम है डायना थॉमस। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट पेपर इन 2013 which talked about body roundness index। ये body roundness index क्या काम करता है, this basically talks about कि what is the shape of your body, whether it is slender like or it is egg like। तो egg like body shapes अगर आपको पता हो, एशिया में मिलती है आपको बहुत सारी, जिसमें पेट बाहर निकला होता है, और बॉडी का जो फैट है वो किस जगह पे लोकेटेड है, उस एक चीज की वजह से हमारे यहाँ NCDs बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट अटैक्स, ये सारे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करो तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, दिस हैज सेड दैट BMI रेंजिंग फ्रॉम 23 टू 27 आर टू बी कंसिडर्ड ओवरवेट फॉर एशियंस, जो कि मैंने आपको बोला था इज नॉर्मल, 24.9 इज नॉर्मल। वहीं पे 25 के बाद 25 टू 29.9 दिस इज कंसिडर्ड एज ओवरवेट, और ओबीज की तो बात ही नहीं है, कितने लोग हैं हमारे यहाँ ओबीज, एज आई सेड 3 out of 4 इज obese। Now the condition is what is BRI and how BRI is different from BMI। BMI जहाँ पे आपका बस दो चीज consider किया जाता है, that is height and weight, वहीं पे BRI score जो आपको मिलता है, that is based on first आपके waist का circumference कितना है, पेट कितना निकला हुआ है, और it also calculates the percentage of body fat, कि body में जो fat है वो किस जगह पे located है और percentage कितना है उसका। Why? Because it takes first thing, that is what is the shape of your body, is it more of an egg like, what are the green regions in the body which are considered healthy, plus agar aapko green score yahan pe milta hai ya green code aapko milta hai, then you are considered healthy। The more round a person is, the more and the higher percentage of body fat he has, plus the more round a person is, higher is the risk that it has visceral adipose। theek hai, पेट के अराउंड उसका ज्यादा से ज्यादा फैट जमा हो गया होगा। देयरफॉर जितना ही ज्यादा इंसान राउंड होगा, गोल इंसान होगा, उतना ही उसका मेटाबॉलिक इलनेस होगा, डायबिटीज होगी और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होगी। इंडिया इज ऑलरेडी डीलिंग विद अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ व्हाट दी NCDs, एंड पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट NCDs, तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है अभी, दैट इज ओवरवेट की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है इंडिया में। ओवरवेट की अगर हम बात करें इंडिया में, तो ओबेसिटी, India has around 12.5 million children who are obese from the age of 5 to 19 years of age, and India has ranked around 174th country in terms of obesity, theek hai, in terms of health and health consciousness। But on the other side we have malnutrition and we have undernutrition also। Undernutrition ki baat kare to India mein we have double burden, or 13.7% of women and 12% of the men are underweight। बच्चों की बात करें तो we already know that stunting, wasting and low birth weight के cases हमारे कितने ज्यादा है। ठीक है,
तो दिस इज समथिंग विच वी शुड कंसिडर एंड वी शुड रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन बी एम आई एंड बी आर आई। तो दो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है, दिस टॉक्स अबाउट कि लोकसभा में अभी भी बोला जा रहा है कि लोकसभा में हुआ क्या है। सबसे पहली चीज, एआई का यूज़ किया गया है, और एआई का यूज़ लोकसभा में हो गया, हमारे पार्लियामेंट में हो गया, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हमारे लिए, हमारे मेंस के आंसर्स के लिए। दूसरा, ये यूज क्या किया गया है, किस चीज में यूज किया गया है एआई, तो 18,000 घंटे का जो फुटेज था, वीडियो फुटेज इसका पार्लियामेंट का, सिंस 1992 टिल डेट इज नाउ बीइंग कंसिडर्ड टू बी डिजिटाइज्ड। पहला तो यहाँ पे यूज किया जाएगा। दूसरा जो यूज हुआ है इससे पहले, वो ये है कि जितने भी हाउस की प्रोसीडिंग्स है, जितना भी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती है पार्लियामेंट के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट किया गया है इन द लोकल एंड रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम एआई इन पार्लियामेंट लिख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी होने वाली है हमारी एक समिट जिसका नाम है 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, जो नवंबर में होने वाली है, कहाँ पे, सिडनी में। ठीक है, अब इसका मेन जो एजेंडा है दैट इज अबाउट द लेजिस्लेचर्स टू सपोर्ट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, अवॉइड वायलेंस एंड अब्यूज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस एंड प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड डिलीवर डिलिबरेट एंड द डिलिब्रेशन बाई द पार्टिसिपेंट्स। ऐसा करना, और ये एजेंडा किसका एजेंडा है, 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव की फाइंडिंग्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये लेबर फोर्स सर्वे हमारे पास डेटा लेके आती है, और ये डेटा जो हमारे सामने है, ये जुलाई 2023 से लेके जुलाई ये जून 2024 तक का डेटा है। ये लेबर सर्वे कौन लेके आया है, लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर। द मेन पॉइंट विच इज हाईलाइटेड ओवर हियर इज कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो लास्ट ईयर 3.2% थी, वो इस साल भी सेम ही रही है, एम्प्लॉयमेंट में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो लास्ट ईयर थी वही इस बार भी है। अब अगर हमने ये समझ लिया तो इसके बाद ये भी देखना है दैट वाई इज दिस अ ग्रिम सिचुएशन, बिकॉज इट इज बीइंग सेड कि अगर एनुअल ग्रोथ में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, किसका, एम्प्लॉयमेंट का, सो देयरफॉर इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन द अनएम्प्लॉयमेंट, देन ना तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, ना हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ जो है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में स्टैग्नेंट रही है। एंड इफ यू सी, यहीं पे वल्नरेबिलिटी बनती है किसकी, इकोनॉमी की। पहला, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टैग्नेंट है। दूसरा, अगर आपके पास डिमांड भी नहीं है और उसके बाद इन्फ्लेशन भी हो गया, तीन चीजें आपकी साथ में हो गई, तो आपको रिसेशन से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तीन चीजें हैं जो साथ में होने के बाद रिसेशन से आपको कोई नहीं बचा सकता, अगर इनका इंटेंसिटी बढ़ गया। इट इज बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन आर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चरल लेबर जो है वो हमारा बढ़ गया है। व्हाई, बिकॉज जो भी हमारा रिवर्सल हो गया, अर्बन टू रूरल रिवर्सल, जो लोग अर्बन एरियाज में जॉब लेके बैठे थे और वो चले गए अर्बन एरिया से वापस, तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड में वापस जा रहे हैं। एंड एग्रीकल्चर हैज द मोस्ट यू कैन से डेवेस्टेटिंग इफेक्ट विच वी से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, कि अगर आज तक उस एग्रीकल्चर में दो लेबर चल रहे थे, अब आठ भी लगा लो तो प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी। मेन प्रॉब्लम वहीं पे है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन सेक्टर से कम हो गया, वो एग्रीकल्चर में चला गया, वो पता भी नहीं चला, और वहीं पे जहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ी। ठीक है, और अब ये जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट रह गई। ठीक है, चलो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के थोड़े से और पॉइंट्स समझते हैं, दैट व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इट इज डन टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों डेटा को ये कवर करती है। डेटा कवर किया जाता है दो पैरामीटर्स के बेसिस पे, वन इज करंट वीकली स्टेटस, अनदर इज यूजुअल स्टेटस। ठीक है, करंट वीकली स्टेटस में जब ये सर्वे होती है तो सर्वेयर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इस एक हफ्ते में क्या आपको एक दिन का काम मिला या नहीं मिला। ठीक है, द मिनिमम आवर्स ऑफ वर्क यू डन, यूजुअल स्टेटस या यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, इसमें क्या किया जाता है, इफ द पर्सन हैज वर्क फॉर वन मैन डे और हाफ मैन डेज, दैट टू डिपेंड्स कि इस इंसान के पास कितना काम मिला है, 4 घंटे का काम था या लेस देन 4 आवर्स का काम था। 4 घंटे का काम था तो मतलब एक आदमी का काम इसने दिन का कर लिया और
चार घंटे से कम का काम मिला था दिन में, तो उस दिन इसको अनएम्प्लॉयमेंट गिना जाएगा। और ऐसे ही करते करते हम ये करंट वीकली स्टेटस और पूरे साल का डेटा कलेक्ट करते हैं कि एक इंसान ने पूरे साल में कितने दिन काम किया। अगर 180 दिन से ऊपर काम किया था तो मतलब वो पूरे साल एम्प्लॉयमेंट में था। अगर 180 दिन से कम काम किया तो फिर हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो बस एक मंथ में, फिर हम चेक करेंगे कि एक महीने में इसने कितना काम किया और कितने दिन इसको काम मिला था। वहीं पे एक दिन के हिसाब से और एक वीक के हिसाब से भी पता चलेगा कि इसने कितना काम किया और कितने दिन इसको काम मिला, कितने दिन इसने काम ढूंढा और कितने दिन इसको काम मिला। उसी बेसिस पे हम उन लोगों को सबको गिनेंगे जो जो लोग काम कर रहे थे, जिनको काम मिला, जिनने पैसा कमाया, और उसी बेसिस पे ये डेटा बनता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। अभी ये जो सर्वे का डेटा है, इस डेटा में पहला इंडिकेटर इज अबाउट व्हाई डू वी डू दिस सर्वे। इसका पहला इंडिकेटर है दैट द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो विच टॉक्स अबाउट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये कौन सा रेशियो है जो हमें बताता है एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना है वो क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब क्या है, द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स। सो लेबर फोर्स में कितने लोग हैं, व्हाट इज लेबर फोर्स, दीज आर दोज पीपल हु आर करंटली वर्किंग और दे आर सीकिंग वर्क, या तो ये काम ढूंढ रहे हैं या तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हु आर अनएम्प्लॉयड पीपल और व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिराइव्ड बाय परसेंटेज ऑफ पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स। देन एज आई सेड एक्टिविटी स्टेटस, Either a person is calculated through usual status or current weekly status. Usual status में हम 365 days का एक recall period लेते हैं। मतलब क्या है इस चीज का, जो भी survey करने जाएगा PLFS के अंदर, वो आगे आने वाले लोगों से पूछेगा कि आपको 365 दिन में कितना काम मिला था, कितने दिन का काम मिला था। अगर उनको 180 दिन से ज्यादा का काम मिला था then उनको employed consider किया जाएगा, अगर नहीं मिला था तो उनको unemployed consider किया जाएगा। Next, CWS के अंदर वी टेक अ 7 days रेफरेंस पीरियड। ठीक है, व्हाट इज द 7 days रेफरेंस पीरियड, इसमें यह बोला जाता है कि आपने पिछले एक हफ्ते में कितने दिन काम मिला। अगर 4 घंटे से ज्यादा काम मिला था तो उसको उस हफ्ते में कंसिडर किया जाएगा कि इसको काम मिल गया 1 दिन का। वहीं पे अगर आप इस सर्वे की की फाइंडिंग्स को हाईलाइट करो और ये याद रखो इस डेटा को, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी हमारे पास कितनी है, 60.1%। ये डेटा याद रखना है, आपके मेंस में काम आ जाएगा। रूरल इट इज 63% एंड अर्बन इट इज 52%। इफ यू टॉक अबाउट मेल एंड फीमेल, तो वी हैव परसेंटेज ऑफ 78% मेल जो ऑलरेडी लेबर फोर्स का पार्ट बन चुके हैं या काम उनको मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट इज 41.7%। ठीक, चलो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारा, 3.2%, जो मैंने पहले ही बोल दिया। जो हमारा लास्ट का एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल बात कर रहा है चांगे 4 मिशन की। दिस चांगे 5 मिशन जो चाइना का मिशन है, ये असल में किस बारे में बात कर रहा है और ये मिशन किस चीज के बारे में है। चाइना का एक सिंपल मिशन है जो चला गया मून के ऊपर, वहां पे उसने लैंड किया और मून से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस लाया। वो सैंपल, वो मून के रॉक सैंपल्स यहां वापस आने के बाद साइंटिस्ट ने उनको पढ़ना स्टार्ट किया, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया। एंड साइंटिस्ट ने बोला कि मून के ऊपर जो वॉल्केनोज हुए हैं, वो वॉल्केनोज बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, वो 120 मिलियन साल पुराने, और आज से 120 मिलियन साल पहले भी वॉल्केनोज हो रहे थे वहां पे, एक्टिव वॉल्केनोज थे मून के ऊपर। एंड 1 बिलियन साल पहले जो हम सोच रहे थे कि मून पे जो वॉल्केनोज थे वो 1 बिलियन साल पहले थे, रिसेंटली नहीं थे, ऐसा नहीं है, अभी रिसेंटली भी वहां पे वॉल्केनोज थे 120 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, कितना रिसर्च सही है, इसके जवाब ढूंढने के लिए हमारा, या इसके जवाब अगर हमें तलाश करने हैं तो हमें वेट करना होगा चंद्रयान 4 का, क्योंकि चंद्रयान 4 भी जाएगा मून के ऊपर और वहां क्या काम करेगा, सेम चीज़,
मून से सैंपल कलेक्ट करके वापस लाएगा। बट चाइना ऐसा क्यों बोल रहा है और चांगे 5 मिशन ने ऐसा क्या काम कर दिया है? सबसे पहले ये मिशन लॉन्च किया गया था नवंबर 2020 में टू कलेक्ट ल्यूनर सैंपल्स। ये वहां लैंड किया और जहां पे इसने लैंड किया है उस जगह को बोलते हैं मॉन्स रमकर। क्या बोलते हैं? मॉन्स रमकर। दिस इज अ प्लेस ऑन मून जो एक हाई टेरेन है मून का, पहाड़ वहाड़ वहां पे थोड़े ज्यादा है और बोला जाता है कि ये वॉल्केनिक एरिया है। वॉल्केनिक एरिया ऐसा नहीं है कि अभी एक्टिव वॉल्केनोज है, नहीं, वो इसलिए ऐसा है क्योंकि उस सरफेस के ऊपर वॉल्केनोज के रेमिनेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, सैंपल कलेक्शन, ये जो मिशन चांगे 5 मिशन गया था इसने 1.7 केजी का वहां से मटेरियल वापस यहां अर्थ पे लेके आ गया। दिसंबर 2020 में ये आया और तब से इस पे स्टडी चल रहा है। स्टडी का एक इम्पैक्ट ये भी आया है अभी जो हमने देखा। ये कैसे इनने स्टडी किया, चाइना के जो एस्ट्रोनॉट्स है या एस्ट्रोफिजिसिस्ट है उनने ये कैसे स्टडी किया? उनने सबसे पहली चीज जो देखी दैट वॉज वॉल्केनिक ऑरिजन। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ये वॉल्केनिक ऑरिजन है, ये मून पे जो हमें पार्टिकल्स मिले हैं वो वॉल्केनो से बने हैं? क्योंकि वहां पे उनको जैसे ग्लास बनता है ना, ग्लास के क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है, या ग्लास के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, वैसे ही ड्रॉपलेट्स और वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड इनको वहां पे मिला है कुछ रॉक्स के अंदर। उनने सल्फर डाइऑक्साइड के बहुत सारे आइसोटोप्स को स्टडी किया है एंड दे आर हाईलाइटिंग कि जो हमें लगता था कि द फॉर्मली रैपिड और रैपिडली कूल लावा के जो फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं वहां पे, दे आर यूनिफॉर्म इन शेप एंड दे आर रिच एंड वोलेटाइल एलिमेंट्स। इस चीज का इम्पैक्ट ये हो सकता है दैट ये जो मटेरियल वहां से आया है या ये जो इनको मिला है मटेरियल, दिस कैन ऑल्सो बी कि ये किसी एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट हुआ हो। मून के ऊपर कोई जल्दी हुई चीज गिर गई, एस्ट्रॉइड गिर गया, मेटेराइड गिर गया मून के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से बना हो, या ये जो एलिमेंट्स है ये उसकी वजह से बने हो, ये रॉक्स जो है उसकी वजह से बने हो, गर्म होने के बाद वो ठंडे हो गए हो, या फिर वो जो मैग्मा है वो बाहर आके सॉलिडिफाई हुआ हो। दीज आर द टू प्राइमरी रीजंस। जो मटेरियल मिला है उस मटेरियल में सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, टाइटेनियम एंड यूरेनियम, ऐसे कुछ ट्रेस एलिमेंट्स मिले हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ल्यूनर ग्लास बीड। तो एक्चुअल में जो वहां पे मिला है, मैंने बोला था ग्लास के ड्रॉपलेट्स जैसे ग्लास के बीड्स मिले हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि ये जो बीड्स है ये कैसे बनते हैं, दो तरीके हैं बनने के। अगर ये मून की सरफेस है, या तो मून की सरफेस के ऊपर आके कोई एस्ट्रॉइड टकराएगा, उसके बाद ये इंपैक्ट वाला रीजन जो है यहां से डस्ट ऊपर उठेगी, जो मटेरियल वहां पे टूट गया वो हवा में बिखर गया, वो पिघला हुआ मटेरियल हवा में ऐसे ड्रॉपलेट्स बनाएगा और वो ड्रॉपलेट्स गिर जाएंगे वापस इसके ऊपर। तो बोला जा रहा है या तो ऐसे बनेगा, क्योंकि अगर आप मून पे देखो तो ग्रेविटी कम है और मून पे जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे वो गोल होंगे, और अर्थ के ऊपर जो वैसे ड्रॉपलेट्स बनेंगे जैसे आपने पानी के भी ड्रॉपलेट्स देखे होंगे वो एग शेप के होते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा है। बस ये दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। इसके बाद जो इसके ऊपर रिसर्च हुआ है और पहली थ्योरी क्या थी हमारी, अभी की थ्योरी क्या है, इसकी वजह से क्या चेंज होगा, चेंज बस ये होगा कि हमारे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में मून की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री की समझ थी अभी तक की, जो अभी तक का रिसर्च था, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा हमारे सिलेबस से। इसका कोई वास्ता नहीं है, हमें एस्ट्रोनॉमी का एग्जाम नहीं देना है। देन हाउ कैन दिस हेल्प, दिस कैन हेल्प इन द फ्यूचर मिशंस फॉर मून एंड दिस कैन हेल्प अस इन एडवांसिंग आवर एनालिसिस अबाउट द मून कंपोजिशन और मून कैसे बना, और वहां पे अगर एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं तो उनका क्या इंपैक्ट होता है ये भी हमें समझ आ जाएगा। वहीं पे अगर इंडिया, ये हमारे धरती पे कोई एस्ट्रॉइड आता है तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसके भी कैलकुलेशंस लगाए जा सकते हैं। आई गेस दिस इज ओवर नाउ। द फाइनल थिंग दैट इज यूपीएससी का पीवाईक्यू। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, और क्या पूछा, लायंस के बिहेवियर के बारे में, ठीक है, कि लायंस जो है ये कैसा बिहेवियर इनका रहता है जंगल में। पहली चीज, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। तो कोई भी एनिमल ऐसा हो जिसका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन ना हो, तो ये न्यूज़ में तो आना चाहिए और ये आपको पढ़ना चाहिए, ये इतना तो आपको पता होना चाहिए कि किस एनिमल का कौन सा ब्रीडिंग सीजन होता है, पहली चीज। दूसरा, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर। हाँ, चीता का जो मेन साउंड होता है उसको हम पर बोलते हैं, दे डू नॉट रोर। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाई सेंट मार्किंग। तो ऐसा नहीं है, लेपर्ड्स और लायंस दोनों ही अपनी टेरिटरी को अच्छे से पूरा मार्क कर देते हैं, हर जगह पे वो अपना वो सेंट जैसा बिखेरते हैं और उसी सेंट की बेसिस पे वो अपनी टेरिटरी को मार्क करके रख देते हैं। विद दिस द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट वॉज करेक्ट। आंसर वॉज ए, सिंपल, एशियाटिक लायन का एक सिंगल मात्र अगर आपको देखना है जो जहाँ पे ये रह रहे हैं, दैट इज आर द गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी इससे पहले भी 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। लायन एक इंपॉर्टेंट
ऐसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज है हमारे लिए। और वहीं पे हमें ये भी पता होना चाहिए एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। देर आर मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स लाइक एक के गर्दन के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, दूसरे के कम होते हैं, एक का टेल लंबा होता है, दूसरा का कम होता है। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स विच वी शुड नो। और इंपॉर्टेंट चीज इज दैट इज प्रोटेक्शन स्टेटस। लायन इज एंडेंजर्ड अंडर साइट्स का अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है इसका प्रोटेक्शन। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पड़ती है? गुजरात में। सेकंड होम ऑफ एशियाटिक लायन इज कंसिडर्ड टू बी नाउ वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो गुजरात के अंदर ही है और यहाँ पे लायंस को ट्रांसलोकेट करके लेके जाया जा रहा है। ये कुछ फैक्ट्स है लायन के लिए और ये याद रखने हैं। फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट वॉज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आज का जो हमने एडिटोरियल पढ़ा था फेक एंड मिसलीडिंग आर्टिकल्स के ऊपर और फेक एंड मिसलीडिंग कॉन्टेंट के ऊपर, आप उस आर्टिकल के बेसिस पे और ये जो फैक्ट चेक यूनिट को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद आप भेज दो ये क्वेश्चन आपको बाकी सारे पोस्ट के साथ, जो टेलीग्राम चैनल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक का पेज है, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और जैसे आप आंसर्स अपने भेज रहे हो व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट पे, वैसे ही आपको इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना है पीडीएफ। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे आप तीन चीज़ें मेंशन करोगे। पहला, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी का जजमेंट है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है सॉरी। दूसरा, आईटी एक्ट 2001, 2021 एंड 2023 के अमेंडमेंट रूल्स, ठीक है। और तीसरा, ये फैक्ट चेक यूनिट क्यों बनाया गया था और इसका मेन पर्पज़ क्या था, और सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स, जिसमें आप प्रोज में फ़ायदे लिखोगे, कनेक्टिविटी, ईजी कनेक्ट एक्सेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह, बाकी सब चीज़ें। कॉन्स में मेनली यू विल फोकस ऑन फेक न्यूज़ एंड मिसलीडिंग कॉन्टेंट। रिमेंबर, फेक न्यूज़ एंड मिसलीडिंग कॉन्टेंट इज अ वीक टर्म और इस टर्म को डिफाइन करना ज़रूरी है आंसर के अंदर। With this, I conclude today's discussion. Thank you. Have a nice day ahead. All the best.